अस्सलाम वालेकुम। खबर शामिल करेंगे भक्कर से ज़िले रिपोर्टर मलिक एहसानुल्ला छीना की। तहरीक अहद वफा भक्कर के अगराज व मकासद सुनिए चेयरमैन मलिक जहूर हुसैन लंगा की जुबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जहूर हुसैन तहसील दरिया खान का बेटा आज आपके सामने इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं अपने और आपके जमीर को कटहरे में खड़ा करके ये सवाल कर सकूँ कि पिछले 50 साल से पसमानदा और खस्ता हालत में शहर बखर ही क्यों। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो शहर बखर में किसी मरीज को जब किसी अस्पताल में लाया जाता है तो नाकाफी इंतजाम की वजह से या तो उसे मुल्तान रेफर कर दिया जाता है या उसे लाहौर भेज दिया जाता है या उसे रावलपिंडी भेज दिया जाता है। सड़कों पे हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से जो दम तोड़ जाते हैं वो माए, वो बहने, वो बेटियां, वो भाई, आखिर हमारे ही क्यों। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो बखर जिला को दाने स्कूल अलाट किया जाता है, जगह दे दी जाती है, फिर यहां से उठा के पड़ोसी शहर को दे दिया जाता है क्यों। जिला बखर में टेक्निकल कॉलेज अलाट किया जाता है, स्टार्ट होता है, यहां से उठा के फिर किसी और शहर को दे दिया जाता है क्यों। बखर शहर को यूनिवर्सिटी दी जाती है, जगह भी दे दी जाती है, फिर यहां से उठाया जाता है, यूनिवर्सिटी को बखर शहर से बाहर भेज दिया जाता है क्यों। अगर मैं सड़कों की बात करूं तो मियांवाले से जब आप हदूद क्रॉस करेंगे और बखर में दाखिल होंगे तो जैसे ही आप बखर की हदूद में आएंगे सड़क आपको चीर चीर के बताएगी कि आप किसी पसमानदा शहर में दाखिल हो चुके हैं। वो पसमानदा शहर मेरा बखर ही क्यों। अगर मैं सी पैक की बात करूं तो मियांवाली से होते हुए दरमियान में एक शहर को छोड़ के ऊपर से घुमा के डेरा इस्माइल खान से सी पैक मिला दिया जाता है, दरमियान में जो शहर छोड़ दिया जाता है वो हमारा बखर ही क्यों। इन सारे फैसलों से ये महसूस होता है कि जान बूझ के दानिस्ता तौर पे जिस शहर को नजरअंदाज किया जा रहा है वो हमारा बखर है। आए हम अपने ऊपर नजर सानी करते हैं, हमारा फैसला, हमारे इत्तेहाद और हमारी सफों में कहीं ना कहीं जरूर कोई ना कोई गलती मौजूद है, क्योंकि इलेक्शन में भरपूर ऐसा हम भी लेते हैं, वोट हम भी डालते हैं, हमारे नुमाइंदे भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं। इसके बावजूद भी अगर तकदीर नहीं बदली तो वो पिछले 50 साल से हमारे बखर की ही क्यों नहीं बदली। मैं आपका भाई, आपका बेटा, तहरीक अहद वफा का आज ऐलान करता हूँ जिसमें हम अहद करेंगे कि बखर की तकदीर को हम सब मिलकर बदलेंगे। आए मेरा साथ दें।